जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत रोमन सम्राट नीरो के बारे में मशहूर है। नीरो पर रोम में आग लगवाने का आरोप भी लगाया जाता है और कहा जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। नीरो को इतिहास के एक ऐसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी माँ, सौतेले भाइयों और पत्नियों की हत्या कराई थी और अपने दरबार में मौजूद किन्नरों से शादियां की थी। सन 54 ईस्वी में केवल 16 वर्ष की आयु में नीरो अपनी माँ के प्रयासों से एक ऐसे साम्राज्य का बादशाह बना जिसकी सीमाएं स्पेन से लेकर उत्तर में ब्रिटेन और पूर्व में सीरिया तक फैली हुई थीं। सिंहासन की भूखी नीरो की माँ अग्निपीना ने महल में साजिशें और जोड़ तोड़ करके नीरो को सत्ता दिलाई। ऐसा दावा किया जाता है कि अग्निपीना ने जहरीले मशरूम या खंबिया खिलाकर सम्राट क्लॉडियस को मार डाला, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। जब नीरो ने सत्ता संभाली तो उसकी माँ अग्निपीना उसकी सबसे करीबी सलाहकार थी। यहाँ तक कि रोमन सिक्कों पर नीरो की तस्वीर के साथ उनकी तस्वीर भी होती थी। लेकिन सत्ता में आने के लगभग 5 साल बाद नीरो ने अपनी माँ की हत्या करा दी, शायद इसलिए कि नीरो को अधिक शक्ति और स्वतंत्रता की हवस थी। बीबीसी रेडियो के कार्यक्रम में बात करते हुए प्राचीन रोम की विशेषज्ञ प्रोफेसर मारिया वायेक ने कहा कि नीरो की माँ का रवैया बहुत ही हाकिमाना था। एक स्रोत के अनुसार वो अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश में इस हद तक चली गई कि अपने बेटे के साथ यौन संबंध बनाने में भी पीछे नहीं हटी। उनके अनुसार नीरो और उसकी माँ के यौन संबंध होने के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन स्रोत के अनुसार नीरो के भेजे गए जल्लाद जब अग्निपीना के पास पहुंचे तो उसने अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वहां चाकू मारा जाए जहां नीरो का पाप पल रहा है। मारिया के अनुसार नीरो ने अपने बचपन में सत्ता संघर्ष का माहौल देखा जिसका उनके व्यक्तित्व और सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिस दौर में नीरो ने होश संभाला था, मारिया वियेक ने उस दौर के बारे में कहा कि हम पहली शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं जब रोमन साम्राज्य यूरोप में ब्रिटेन से लेकर एशिया में सीरिया तक फैला हुआ था, लेकिन यह विशाल साम्राज्य अस्थिर था और एक स्वतंत्र राष्ट्राध्यक्ष सीनेट की मदद से इसे चलाता था। रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट ऑगस्टस ने इस साम्राज्य में सत्ता में बैठे लोगों में बराबरी का एक विचार पेश किया था। रोम के पहले सम्राट ऑगस्टस सीजर ने जो व्यवस्था शुरू की थी उसमें वह पीढ़ी दर पीढ़ी जूलियस क्लॉडियस सीजर परिवार में ही सत्ता रखना चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता हासिल करने के लिए परिवार के भीतर एक संघर्ष पैदा हुआ। सत्ता हासिल करने के लिए परिवार में शादियां, बच्चों को गोद लेना, तलाक, देश निकाला, जिला वतनी के अलावा अपने प्रतिद्वंदी को हटाने के लिए हर तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया जाता था। नीरो के व्यक्तित्व और चरित्र पर हुए बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम में शामिल ब्रिटेन में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुषमा मलिक के अनुसार रोमन साम्राज्य के चौथे सम्राट क्लॉडियस ने सन 41 से 54 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में क्लॉडियस अपनी पत्नियों पर बहुत अधिक निर्भर हो गए थे जिसमें नीरो की मां अग्निपीना भी शामिल थीं। सुषमा मलिक बताती हैं कि इन पत्नियों में एक बहुत ही बदनाम महिला मुसलीना के बारे में इतिहास की किताबों में लिखा है कि उसने क्लॉडियस के आसपास अपने लोगों का एक जाल बिछाया हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह सीनेटरों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और अपनी वासना को शांत करने के लिए अपने पद की भी परवाह नहीं करती थी। इतिहास से पता चलता है कि क्लॉडियस उससे काफी प्रभावित था। नीरो और क्लॉडियस के दौर की तुलना करते हुए सुषमा मलिक कहती हैं कि नीरो के शुरुआती दिनों में उनके आसपास कुछ अच्छे लोग थे जिनमें सेनेका और अफ्रैक्स ब्रूस नाम के एक प्रीफेक्ट शामिल थे। सेनेका एक दार्शनिक और नीरो के भाषणों के लेखक थे। जब नीरो अपनी पहली पत्नी ऑक्टेविया से तंग आ गया तो उसने उसे जिला वतन कर दिया था और उसे मारने का आदेश दिया। उसके बाद नीरो को पोपिया से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जब पोपिया गर्भवती थी तो नीरो ने एक दिन गुस्से में आकर उसका भी कत्ल कर दिया। नीरो के शासन के पहले 5 वर्षों को रोम के लोगों के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन रोम में सीनेट प्रशासनिक और सलाहकार बॉडी थी। नीरो ने रोमन सीनेट को सशक्त बनाया, रोमन सेना को अपने साथ रखा और संतुष्ट रखा। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराकर आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की,
लेकिन ये शुरुआती सफलताएं नीरो के शेष शासनकाल के दौरान भीषण हिंसा और बर्बरता की वजह से दब गईं। ब्रिटेन की सेंट जोन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू निकोल्स ऐतिहासिक संदर्भों से इसकी पुष्टि करते हैं कि नीरो के शुरुआती दिनों को रोम का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक सवाल जो सभी के मन में उठता है कि जब रोम जल रहा था तो क्या नीरो सच में बांसुरी बजा रहा था? सन 64 ईस्वी में रोम जलकर राख हो गया। अफवाह यह थी कि यह आग सम्राट नीरो ने खुद लगवाई थी और बाद में यह कहा जाने लगा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। आग की घटना के बारे में इतिहासकार सुषमा मलिक का कहना है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में कम से कम दो इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि नीरो ने खुद रोम में आग लगवाई थी ताकि इसका फिर से नया निर्माण किया जा सके। नीरो अपने मशहूर गोल्डन हाउस का निर्माण कराना चाहता था, लेकिन कुछ इतिहासकार नीरो के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि यह आग उसने नहीं लगवाई थी क्योंकि उसका अपना महल भी इस आग की चपेट में आ गया था। मैथ्यू के अनुसार दो ऐतिहासिक स्रोत यह कहते हैं कि नीरो ने खुद शहर में आग लगवाई थी। उनका तर्क यह भी है कि जब शहर जल रहा था नीरो ने विशेष लिबास पहनकर गाना शुरू कर दिया था। यह बात कहां तक सही है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था? इस बारे में मैथ्यू का कहना है कि बांसुरी का आविष्कार 7वीं शताब्दी में हुआ था और नीरो के समय में बांसुरी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि नीरो एक वाद्य यंत्र बजाता जरूर था जिसे लाइरे कहा जाता है। आग की घटना के बाद नीरो ने एक भव्य महल का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक गोल्डन रूम था जिसमें शानदार फर्नीचर था और कमरे में खुशबू के लिए दीवारों के अंदर परफ्यूम के पाइप लगाए गए थे। इस महल के निर्माण पर भारी मात्रा में संसाधन खर्च किए गए थे, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हो सका। एक ऐसा शहर जो राख के ढेर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वहां के लोग इस महल के निर्माण से खुश नहीं थे। नीरो को वाद्य यंत्र लायरे बजाने और गाने का शौक था। नीरो ने मंच पर भी अभिनय किया और सम्राट का यह शौक सीनेट की नजरों में एक रोमन नेता की गरिमा के खिलाफ था। लेकिन नीरो को किसी की सोच की परवाह नहीं थी और वह एक साल की छुट्टी लेकर यूनान चले गए जहां उन्होंने थिएटरों में अभिनय की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नीरो का विरोध और बदनामी बहुत बढ़ चुकी थी। सेना के समर्थन से सीनेट ने नीरो को जनता का दुश्मन घोषित कर दिया था, जो एक तरह से उसकी मृत्यु का फरमान था। मतलब यह कि नीरो कहीं भी दिखाई दे उसे मार दिया जाए। सुरक्षा अधिकारी पीछा कर रहे थे। नीरो रात के अंधेरे में भागकर शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने एक महल में छिप गया और आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि जब नीरो ने खुद की जान ली तो उनके आखिरी शब्द थे क्वालिस आर्टिफेक्स पेरियो। विशेषज्ञों का कहना है कि नीरो के अंतिम क्षणों में कहे गए इन शब्दों का ठीक ठीक अर्थ निकालना मुश्किल है, लेकिन इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे मैं अपनी मृत्यु में भी एक कलाकार हूं। वो क्या ही कलाकार है जो मेरे साथ मर रहा है, मैं एक व्यापारी की तरह मर रहा हूं। नीरो के इन शब्दों का जो भी अर्थ हो, लेकिन उनके अंतिम शब्द उनके चरित्र की तरह ही नाटकीय थे।